वेलकम टू मोटर व्यूज और आज जो हम डिस्कस करेंगे 2020 हीरो एक्सट्रीम 200S BS6 इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है। सारी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बाइक की मिल जाए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। हीरो एक्सट्रीम 200S BS6 में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे BS6 के अंदर, इस बाइक का प्राइस कितना रहने वाला है और ये बाइक लॉन्च कब होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए। इस बाइक की जो स्पेसिफिकेशन है, इंजन आपको 199.6 cc का मिल जाएगा। नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें आपको सिंगल सिलेंडर देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5-speed गियर मिल जाएंगे। सीट हाइट इस बाइक की 795 mm की है। ग्राउंड क्लीयरेंस इसमें आपको 165 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाएगी। वेट इस बाइक का 149 kg का है। फ्यूल टैंक इसमें आपको 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। डिस्क का साइज आपको फ्रंट में 276 mm सिंगल डिस्क रहेगा। रेयर डिस्क का साइज आपको 220 mm सिंगल डिस्क मिल जाएगा। टायर का साइज आपको फ्रंट में 100/80/17 inch का टायर देखने को मिलेगा। रेयर टायर आपको 130/70/17 inch का टायर मिल जाएगा। सस्पेंशन में आपको फ्रंट में 37 mm डायर टेलीस्कोपिक एंटी फ्रिक्शन बुश देखने को मिल जाएंगे। रेयर सस्पेंशन में 7-step राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाएगा। तो कैसा परफॉर्म करता है ये बाइक, ये भी मैं आपको बताता हूँ। टॉप स्पीड जो ये बाइक जनरेट करेगा 115 km/h के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड मिल जाएगी। 0 to 60 ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में पहुंच जाता है। एवरेज जो ये फ्यूल इकोनॉमी जनरेट करेगा 45 km/l के हिसाब से आपको इसकी एवरेज मिल जाएगी। तो फीचर्स क्या कुछ देखने को मिलेंगे इस बाइक में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको LED हेडलाइट भी देखने को मिल जाएगी। सिंगल चैनल ABS मिलता है इस बाइक में। BS6 के अंदर क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस बाइक में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। BS4 के अंदर इसमें आपको एयर कूल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी, बट BS6 के अंदर अब इसमें आपको ऑयल कूल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। इसमें अब आपको कैटलिट कन्वर्टर भी देखने को मिलेगा। BS4 में कार्बोरेटर सिस्टम देखने को मिलता था, बट BS6 के अंदर अब इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम देखने को मिल जाएगा। BS4 में ये जो बाइक पावर प्रोड्यूस करता था 18.1 bhp के, बट BS6 के अंदर अब इसमें आपको जो पावर देखने को मिलेगी 17.7 bhp की पावर देखने को मिलेगी। तो लगभग 0.4 की गिरावट देखने को मिली है इसमें पावर में। टॉर्क जो BS4 में देखने को मिलती थी इस बाइक में 17.1 Nm की, बट BS6 के अंदर अब इसमें आपको जो टॉर्क देखने को मिलेगी 16.5 Nm की टॉर्क देखने को मिलेगी। तो लगभग 0.6 की गिरावट देखने को मिलेगी टॉर्क में। इसमें एज सच आपको कोई हीटिंग इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे इस बाइक में और एज सच कोई भी वाइब्रेशंस नहीं फील होंगे। इसमें आपको कितने कलर देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। BS4 के अंदर जितने भी आपको कलर देखने को मिलते थे BS6 के अंदर भी सेम आपको जो कलर्स है कैरी फॉरवर्ड हो गए। इसमें आपको जो कलर देखने को मिलते थे ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है, दूसरा कलर आपको रेड कलर देखने को मिल जाता है, थर्ड कलर आपको ब्राउन कलर देखने को मिल जाता है। तो इसका प्राइस कितना रहने वाला है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। BS4 में जो इसका प्राइस था 1,02,000 rupees, बट BS6 के अंदर अब इसका जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा 1,14,000 rupees के हिसाब से आपको इसका प्राइस पड़ेगा। तो लगभग कंपनी ने इसका जो प्राइस हाइक किया वो लगभग आपको 12,000 rupees ज्यादा देने पड़ेंगे। इसका लॉन्च कब इंडिया में होगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका लॉन्च आपको जुलाई के मिड में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कभी भी कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।